दोस्तों, अगर आप वोटर आईडी की पूरी लिस्ट एक ही बार में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की नई नई वीडियो हम लाते रहते हैं और दोबारा से आपको हमारा चैनल ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में एक वेबसाइट सर्च करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ का, इसे आपको क्लिक कर लेना है। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और यहां पर आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे शो वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे क्लिक कर देना है। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य जहाँ भी वोट देने के लिए जाते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पे नीचे ढेर सारे नंबर दिए हुए हैं, आप इस नंबर पे क्लिक करके जा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे दूसरे नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे भी आप खोज सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य कहाँ पे वोट देने जाते हैं, उस जगह का नाम आपको ढूंढ लेना है। जैसे ही आपको जगह का नाम मिल जाता है तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब में आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वोटर लिस्ट पूरी आपके सामने खुल जाएगी। अब आप यहां पे अपने मकान नंबर से जोड़ सकते हैं। आपका जो भी मकान नंबर है आप उसे यहां पे जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहां पे मकान नंबर दिया हुआ है तो आप अपने मकान नंबर संख्या से आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम एक साथ मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो आप यहाँ पे अपनी वोटर आईडी संख्या नोट कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट लेकर किसी जनसेवा केंद्र पे जाके अपनी वोटर आईडी दोबारा से निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।